मैं आपको बहुत बड़ा गुरु मानते, लेकिन वो नॉलेज छुपाते सर। सर बहुत सारा क्वेश्चन था मन में जी वो। टीचर और वो स्टूडेंट वाली नहीं लगा, मतलब एकदम तो लिखकर आपने मांगा था लव लेटर मुझे दो, वो मैंने दिया ही नहीं। आपको हैंड स्किल में प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा? जी, एक घंटा आता था, घंटा लोगों को समझाते रहते हैं फोन पे। आप तो बहुत डर रहे थे हाँ, शाहिद भाई। डर तो बहुत सर, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो बेसिक जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए आदमी को। टीचर अगर स्ट्रिक्ट हो जाए तो बच्चों को पसंद नहीं आता। समझना क्या है, बात तो जो है वो रियल है कि ठीक है, अपने ही स्टूडेंट से बिजनेस करते हैं तो लोगों का भी पैसा वापस देना है, पैसे की बात ही नहीं। लड़ाई भी किया, झगड़ा भी किया। फेंको साले को, तोड़ो, हटाओ, जरूरत क्या है कि यार मैं 25,000 रुपए ले रहा हूँ तो 25,000 लायक दे भी रहा हूँ। अब मजबूरी है सर, नॉलेज रहेगी तब तो उतना बंदा को लिखवाएगा, कोई लिखवा ही नहीं रहा आज के डेट में। बस देख लो ऐसे ऐसे, ये तो ऐसे कोई भी दिखा देगा तो सर क्लास करने की जरूरत क्या है इसमें। आज कल आपका क्लास खत्म हो गया है और अब आप सभी लोग अपने अपने घर जाएंगे, तो कैसा रहा आपका अनुभव फोन बे की टीम में? बहुत अच्छा है। आप जो उम्मीद लेके आए थे वो यहाँ आपको मिला? हाँ सर मिला, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। बहुत कुछ नया सीखने को मिला। आप हैप्पी हैं यहाँ से? एकदम हैप्पी। कोई ऐसी चीज जो रह गई हो जो आपने आपके क्वेश्चन में लिखा हो और वो यहाँ से पूरा नहीं हुआ? नहीं सर, बहुत सारा क्वेश्चन था मन में जी, वो पूरा क्लियर हो चुका है। क्लियर हो चुका है जी। धर्मेंद्र जी, आप? सर सब कुछ तो मतलब उम्मीद से ज़्यादा ही मिला है जी। अब जो मिला है उसको जब तक अपने टेबल पे ऑन टेबल पे तब तक मालूम नहीं पड़ेगा कि हम कितना ले के जा चुके हैं। तो यहाँ आपको क्या अनुभव रहा, इन 20 दिन में आपने क्या अनुभव किया? इस 20 दिन में तो बहुत कुछ अच्छा अनुभव हुआ हाँ हाँ। लेकिन अब उसका जो निचोड़ है, जो रस बनने वाला है, वो अपनी टेबल पे वो आपकी टेबल पे मालूम चलेगा जी। अखिलेश जी, अभिषेक जी चलो अभिषेक जी, आपका क्या अनुभव रहा फोन पे की टीम में? सर बहुत बढ़िया अनुभव रहा, जितना दिन रहे उतना दिन मतलब एक टीचर और वो स्टूडेंट वाली नहीं लगा, मतलब एकदम फ्रेंड सर्कल में हमने काम किया। और खास तो राम सर ने हम लोगों को बहुत अच्छे से गाइड किया है और इसमेटिक के जो नॉलेज दिया है शायद मुझे कहीं से भी नहीं मिल पाता। और मैंने सर आपको तो क्वेश्चन जो लिखकर आपने मांगा था लव लेटर मुझे दो, वो मैंने दिया ही नहीं क्योंकि मेरे अंदर जितने क्वेश्चन थे हर दिन कुछ ना कुछ 2-4 दिन तक मेरे अंदर बहुत ज्यादा सवाल भरे थे, तो मैं सर को 2-4 दिन परेशान किया, उसके लिए माफी है सर। लेकिन उसके बाद से चीजें क्लियर होती गई, मेरे अंदर से सारे क्वेश्चन भी डाउट खत्म होते गए, मैं सेटिस्फाई हूँ यहाँ से जो भी है। तो अभी आपकी डिक्शनरी में कोई क्वेश्चन तो नहीं बचे हैं? ना, कोई क्वेश्चन नहीं है। और बाकी काम ऑन टेबल पे जब काम करने में हमको समस्या होगी तो आपका तो बैक सपोर्ट है हमारे साथ। बिल्कुल, फोन बे की टीम हमेशा हर स्टूडेंट के साथ होती है। इनफैक्ट जी, जयसवाल जी, आपको हैंड स्किल में प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा जी, जी। तो मैं आपसे एक जो गुरु दक्षिणा होती है जी, मैं आपसे वो गुरु दक्षिणा लूंगा आज जी। बताया सर, आप मेरे से यहाँ से वादा करेंगे, मैं आपको अभी वो बताने वाला हूँ जी, इसको आप पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ अपनी टेबल पे इसको काम करेंगे। जरूर करेंगे सर। बाकी ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब तक आप सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाएंगे, जब तक आप खुद बे पे दौड़ने नहीं लगेंगे जी, तब तक फोन बे की टीम आपका साथ नहीं छोड़ेगी और साथ तो कभी भी नहीं छोड़ेगी जी। जी, जब तक आपको फील्ड पे हम दौड़ाने नहीं लगेंगे तब तक हम आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हम सर जो भी रहेगा और जो भी मुझे बताया गया है, लिखाया गया है, और उसको ईमानदारी से फॉलो करेंगे और तैयारी भी करेंगे कि मतलब भविष्य में कभी कोई समस्या ना हो। और ऐसा नहीं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि मतलब हाथ मेरा बढ़िया हो जाए और अच्छे से काम हो और कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी तो कोई प्रॉब्लम होने पर आप लोग हैं ही, हमेशा कॉल पे हमेशा आपके साथ हैं, आप सबको रिप्लाई देते रहते हैं, एक एक घंटा आता था, घंटा लोगों को समझाते रहते हैं फोन पे। तो वही हम भी सोचते हैं कभी हम भी भविष्य में जाएंगे, अगर भगवान न करे कभी मौका अगर पड़े अगर तो याद फोन करेंगे, तो मुझे मालूम है कि हाँ बिल्कुल यहाँ अच्छे से गाइड कर लेंगे। जब भी सपोर्ट के लिए आप फोन बे की टीम को आवाज दोगे, फोन बे की टीम हमेशा आपको आपके साथ मिलेगी। और कोई आपके क्वेश्चन जो यहाँ रह गए हो? नहीं सर, हमको यहाँ पे सर राम सर का जो एस्टिमेटिक पढ़ाने का तरीका लगा बहुत अच्छा लगा। आपको समझ में आया? समझ में आया सर, इतना अच्छे तरीके से समझना है कि फिर दिमाग से भी निकले ना। चलिए चलिए, और जान लिए कि बहुत अच्छा था। तो आप अपने आप को अकेला ना समझे, फोन बे की टीम आपके साथ है, है ना? दिल लगा के मेहनत करें, जब भी जहाँ जैसी भी जरूरत है टीम आपके साथ है। ठीक है,
जी आपका क्या अनुभव रहा 20 दिन की कोचिंग में? मेरा अनुभव ऐसा है सर, आप तो बहुत डर रहे थे। हाँ शाहिद भाई, डर तो बहुत सर, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा और मेरे से होगा कि नहीं होगा? वो डर इस बात का था सर कि जब हमने स्कीमेटिक को देखा तो इतनी सारी लाइनें, जैसे भी जो भी राम सर ने शुरुआत की थी, तो ऐसे लगता था यार ये देखने में बहुत हार्ड है और समझने में बहुत हार्ड लगा। लेकिन जैसे जैसे फ्लो होता गया, जैसे जैसे राम सर ने गाइडलाइंस दिए और फ्लो होता गया, उस तरीके से हमको समझ में आया कि पहले स्कीमेटिक ज़रूरी है। मतलब बेसिक जो है वो थेरोटिकल नॉलेज होना चाहिए आदमी को। थेरोटिकल नॉलेज के बेस पर आदमी बोर्ड को टच करे तो बेहतर है। क्योंकि आज तक हम लोग क्या करते थे, सिर्फ आईसी उठाते थे, निकाल देते थे, कोई कैपेसिटर कंपोनेंट रजिस्टर किसी बात का ऐसा परफेक्ट नॉलेज नहीं था कि ये थर्मल रजिस्टर है, ये कैपेसिटर को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बाईपास फिल्टर क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, पुल अप रजिस्टर, ये सब नॉलेज नहीं था सर कि इनका वर्किंग क्या है। हमने वाटर डैमेज हैंडसेट देखा नहीं और उखाड़ना चालू, और ये सब चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिली और इससे ज़्यादा सीखने को मिली जिनको हम अपने अल्फाज में नहीं बता सकते। और दूसरी बात सर, जिस तरीके से आपने हमको बोला था पहले ही दिन शुरुआत में कि मल्टीमीटर से मोहब्बत करो, मल्टीमीटर से प्यार करो, इसको अपने साथ ही लेके चलो, तो हमको बारीक से बारीक चीज़ में भी जो है ना, अगर हम चार्जिंग सॉकेट भी अगर बिठा रहे या कोई साधारण सा माइक भी बिठा रहे, चाइना माइक भी, तो हमको मल्टीमीटर की हेल्प से उसको चेक करना है और फिर बिठाना है। और हर चीज़ का GR लेकर अगर हम काम करते हैं तो हम लेबर नहीं बनेंगे, हम अच्छे टेक्नीशियन बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो गई। और जितने भी दिन हमने यहाँ पर काम किया टेबल पर, ऑन टेबल, तो वो फीलिंग आ गई कि अब तक के हम लेबर जैसे काम कर रहे थे कि दुकान पर रहने के बाद 5 माइक बदल 10 माइक बदल, ये काम नहीं कर रहा, ये रिंगर काम नहीं कर रहा, उसकी जड़ तक नहीं जाते थे और मल्टीमीटर का ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। तो अब जो है आपकी हेल्प से, राम सर की हेल्प से, तो देखो सर स्कीमेटिक सीख गए, आपकी हेल्प से मल्टीमीटर से मोहब्बत हो गई, ठीक है, और उसका इस्तेमाल करना आ गया। और रवि सर जो है अपने, उन्होंने जो स्ट्रिक्टली लेकर, जिस तरीके से एक टीचर को होना चाहिए स्ट्रिक्टली, आजकल का माहौल ऐसा है कि टीचर अगर स्ट्रिक्ट हो जाए तो बच्चों को पसंद नहीं आता, लेकिन जिस तरीके से वो स्ट्रिक्ट थे उसके पीछे उनका कुछ उद्देश्य था कि बच्चे कुछ यहाँ से लेके जाए, बच्चे इस चीज़ को सीखे, ठीक है। तो उनके स्ट्रिक्ट जो था, मतलब थोड़ा व्यवहार, उसको हमने एक्सेप्ट किया तभी हम सीखे। और मैं सच बता रहा हूँ सर कि मैंने कभी IC वगैरह रिबॉल नहीं किया था, किया था एक बार लेकिन वो किसी की हेल्प से किया था, लेकिन सर ने जिस तरीके से एक ही बार में सिखाया और उसको फॉलो करके जो भी मैंने काम किया, यहाँ पर कम से कम 20 से 25 बार मैंने CPU रिबॉल करके बैठा। अच्छा, यहाँ पे आपने खुद अपने हाथों से कितने सेट बनाए आप? मैंने खुद मेरे हाथों से और स्कीमेटिक की सहायता से और आपके मल्टीमीटर के नॉलेज से मैंने खुद, सच बता रहा हूँ, 7 से 8 हैंडसेट बनाया हूँ, ठीक है। और ऐसा समझो सर, समझना क्या है, बात तो जो है वो रियल है कि मैं फ्रेशर था, मैं 2011 से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ना स्कीमेटिक का नॉलेज था, ना मल्टीमीटर का नॉलेज था, हैंड स्किल था भी तो उस तरीके का नहीं था जिस तरीके से रवि सर ने मेरे अंदर उतारा है, ओके, ठीक है, जिस तरीके से मेरे हाथों को रवि सर ने डायरेक्शन दिया है, तो उस तरीके का हैंड स्किल नहीं था। अच्छा, एक लास्ट बात मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी जो फोनवे की टीम बोलती है और शुरुआत से बोलती आई है कि इस छत के बाद हम आपको दूसरा छत नहीं तलाशने देंगे, ये 100% ट्रूथ है सर, कोई जरूरत ही नहीं है सर, ये 100% ट्रूथ है, नहीं पढ़ने वाली है, पक्का है? पक्का है सर। आप लोग हैप्पी हैं? यस सर। हम लोग क्या, हम लोग के बाद भी अगर कोई आएगा तो उसको वो भी हैप्पी रहेगा सर, नहीं जाना पड़ेगा, श्योर है, क्योंकि यहाँ पे इतना नॉलेज मिलता है। राम सर का एक चीज देखा सर कि जितना दिन मतलब पढ़ाते इनके अंदर, एक हमें भगवान श्री राम को नहीं देखा है क्योंकि उनके अंदर जो था उन्होंने सब कुछ दे दिया। जी जी, सर के पास भी सेम स्वभाव है, इनके अंदर जितना नॉलेज है हम स्टूडेंट को अपने तरफ जो नॉलेज था वो निचोड़ के, मतलब ये चीज आपने करना पड़ेगा, बिल्कुल सही पहचाना है सर। सर के पास अगर 100 है तो ये नहीं सोचते हैं कि मैं 99 दूं, सर 100 का 100 स्टूडेंट। सर फोनवे की टीम की एक खासियत बताता हूँ कि
आप लोग की एक खासियत है कुछ हाई कि इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के अलावा आप लोग जो है आपके 2 से 3 घंटा रोज़ाना जो स्टडी करते और जो भी नया पाते हो अगले दिन स्टूडेंट को एकदम बेभाग खुलेआम ऐसे मतलब दे देते हो नॉलेज। मतलब अक्सरियत में हमने देखा है कि कई इंस्टीट्यूटों पर और कई सारे ऐसे जो गुरु है ठीक है जो मोबाइल के अंदर अपने आप को बहुत बड़ा गुरु मानते लेकिन वो नॉलेज छुपाते सर ठीक है और उसके बेस पे वो लोग बिजनेस करते ठीक है अपने ही स्टूडेंट से बिजनेस करते। लेकिन आप लोग की एक स्पेशलिटी है फोनवे टीम की कि आप लोग रोज स्टडी करते हो और कुछ नया पाते हो तो वो सीधे सबके सामने रख देते हो। ये बहुत अच्छा लगा हमको। तो यहाँ आप लोगों को मजा आया बहुत ज्यादा। एक चीज हमको और अच्छा लगा जी कि फोनवे की टीम जो है वो पैसे के पीछे नहीं भागती। हम देखिए ये बात तो पैसे के पीछे नहीं है क्योंकि 10 दिन होने के बाद भी एक बार कहें कि अगर जिसको कोई प्रॉब्लम लगे तो बताएं हम पैसा आज भी वापस करने के तैयार हैं। जो आप फीस दिए वो भी वापस कर देंगे आपको तकलीफ ना हो। तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है और हम भी ये चीज बोलते हैं क्योंकि हमने जब हमारा ये सफर शुरुआत किया कई लोगों ने गिराने की कोशिश भी की जी सर लेकिन आज जो हम इस लेवल पे आ पाए हैं ये ईमानदारी और ऊपर वाले का आशीर्वाद और हमारी ईमानदारी। कभी हमने पैसों को टारगेट नहीं किया है सिर्फ हमने ये टारगेट किया है कि जो स्टूडेंट पता नहीं बेचारा पैसों की व्यवस्था कहाँ से करके आ रहा है। एक नवंबर बैच के एक स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एक टाइम खाना खा के ये हमको पता भी नहीं चलने दिया ना ही तो उन्होंने बोला कि सर फीस में 5 रुपये कम कर लीजिए। फीस उन्होंने पूरा दिया लेकिन एक टाइम खाना खा के जब लास्ट डे पता चला तो फोनबे को बहुत तकलीफ हुई थी क्योंकि फोनबे वैसे भी पैसों के पीछे नहीं भागती है। फोनबे इसलिए भागती है कि कोई व्यक्ति कोई भी स्टूडेंट अगर कुछ उम्मीद लेके हमारे पास आ रहा है तो बस हम उसको पूरा कर पाए। तो आप लोग हैप्पी यस सर ठीक है मस्त तरीके से अभी आप काम करेंगे अपने टेबल पे और कोई भी दिक्कत आएगी तो फोनबे की टीम आपके साथ है हमेशा के लिए। फोनबे की टीम पैसे के पीछे ना आज भागी है ना फ्यूचर में भागेगी। जी रवि कुमार जी आपने यहाँ पर लोगों को बहुत हंसाया मोटिवेशन भी आपने बहुत दिया और कहना चाहिए कि मतलब जो एक खास व्यक्ति नहीं होता एक पूरी टीम में वो खास व्यक्ति आप मुझे लगे कि क्योंकि आपने सबों के साथ लड़ाई भी किया झगड़ा भी किया प्यार मोहब्बत भी किया हंसी मजाक भी किया वो तो आपने बहुत खुल के किया लेकिन ये बताइए कि इन 20 दिन में आपने क्या सीखा। सर देखिए पहले तो सबको थैंक यू हमारा बंगाली जो होते हैं जैसे राम सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल ही सबसे अलग है ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब सर पढ़ाते हैं तो एक तरह की वो शरबत बना देते हैं सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जैसे उनका आप एस्टीमेटिक का डायग्राम का देख लो आप एस्टीमेटिक डायग्राम ऐसे जैसे LKG के बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि भाई ये लाइन है आपको यहाँ से जाना है। अब भाई हम थोड़ी पहले से तो कर रहे हैं जो फ्रेशर थे उनके लिए तो है। अब हमें भी एस्टीमेटिक में कुछ नहीं आता था हमने रिपेयर करा है बहुतेरे करा है दुकानदारों का अभी भी करते हैं बट हमें ये नहीं पता था एस्टीमेटिक से यहाँ से ये लाइन जाती है हमें बस ये अच्छा ये सप्लाई यहाँ जा रही है उसके आगे हम खोज ही नहीं पाते थे लाइन जा कहाँ रही है। बट सर ने जिस हिसाब से हमें पढ़ाया एक एक चीज़ ये भाई इसमें पी देखो यहाँ पे आगे जुड़ गया है तो ये तुम्हारा उधर जाएगा फिर ये वहाँ से पी के अब एन होगा ये लाइनों का जो सर ने बताया ना LKG के बच्चे के हिसाब से एकदम परफेक्टली बताया ये दिमाग में घुस जाएगा। थोड़ा भी बंदा अगर कॉन्सेंट्रेट करके अपना करे ना तो 20 दिन में ऐसा हो जाए कि उसको बस मार्केट में कोई उसका टक्कर का ही नहीं होगा। अब कोई भी बेशक 25 साल से कर रहा हो रिपेयरिंग अब मैं 2007 से मैं करता था मुझे स्टेंस किस लिए होता है जैसे सर ने एक एक चीज़ जो लिखवाई है मेरे को कि कॉपी में जैसे कि देखो पुल अप रजिस्टर का वैल्यू ये होती है इसका काम ये होता है IC में कहाँ तक वोल्टेज आएगी क्या करता है IC पे पुल अप रजिस्टर फिल्टर कैपेसिटर के बारे में जो बताया वो हमें पता ही नहीं था हम तो सोचते थे कैपेसिटर है ये फेंको साले को तोड़ो हटाओ जरूरत क्या है कैपेसिटर शॉर्ट का मतलब हमें यही पता था कि भाई कैपेसिटर वो अपनी उसके लिए सेफ्टी के लिए लगाया जाता है प्रोडक्ट करेगा बट यहाँ पे आने के बाद पता लगे कि भाई सेफ्टी के अलावा भी उसका और भी काम है
और जैसे सर ने हमारे फॉल्ट लिखा है एक एक चीज़ का, जो भाई चार्जिंग सप्लाई फिर ये नहीं करके, फिर ये देखो, फिर ये नहीं करके, फिर ये देखो, एक एक चीज़ के बारे में हमने दो दो तीन तीन पेज में लिखा है और भरपूर। अगर यहाँ पे अगर कोई नहीं सीख पाता तो सर तो ऐसा है कि वो फिर कहीं सीख ही नहीं सकता। अगर जो बंदा यहाँ पे नहीं सीख सकता वो कहीं नहीं सीख सकता, मैं लिखित में दे सकता हूँ। क्योंकि राम सर का जो वेब है समझाने का, राम सर ने एक तो इनके नाम के हिसाब से जैसे इंस्टीट्यूट चलता है प्रॉपर राम वाली चीज़ें, एक बंदा कोई ये नहीं कर सकता कि सर ने डांट दिया, भाई तू तीन बार पूछ, तेरह बार पूछ। राम सर क्या, तीनों सर ने हमें यही दिया कि हमें कोई चीज़ की ये नहीं कि भाई पूछना है पूछो, कहीं वहाँ पे जाके तुम बार बार तो मार्केट में अलग वैल्यू ख़राब होगी कि तुम सीख के आए हो पहले से भी ख़राब हो गए हो। तो आप लोगों ने पहले ये चीज़ हमें क्लियर कर दिया कि भाई जो सीख हमने सिखाया है तुम बेशक दो दिन और रुक के करना पड़ता। और राम सर ने जैसे हिसाब से फीस वगैरह, जिस हिसाब से राम सर के नाम पे ये इंस्टीट्यूट चलता है कि भाई 25,000, राम सर ये देखते हैं कि 25, इसमें भी अभी कन्फ्यूजन में रहते हैं सर, दुनिया 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये तक फीस ले रही है, वो उनको इससे मतलब नहीं होता कि भाई मैं 1,00,000 रुपये फीस ले रहा हूँ। राम सर देखते हैं कि यार मैं 25,000 रुपये ले रहा हूँ तो 25,000 लाइक दे भी रहा हूँ। राम सर के मैंने दो तीन चीज़ें नोट करी, भाई हमने गए थे वहाँ पे क्या नाम है इवेंट वगैरह या कहीं भी, सर को बताया तो कह रहे इवेंट में जाके तुमने क्या मिला। सर ने हमें बोला कि भाई 1,500-2,000 रुपए के इवेंट में तुम्हें जाके क्या मिला। तो मैंने सर का ये देखा है कि भाई बंदा जो जा रहा है, हमारा स्टूडेंट जा रहा है, वो जेब से ही हमारे पैसे जा रहे हैं। तो सबसे पहले राम सर ने यही देखा कि भाई मैं जो फीस ले रहा हूँ, फीस बढ़ाने का चल भी रहा था, सर ने नहीं बढ़ाया, जबकि हमारे हिसाब से सर लाख से ऊपर दे रहे हैं, लाख से ऊपर का दे रहे नॉलेज। और बस मेरे को इन्हीं सर में लगा कि हाँ पैसों के पीछे, दुनिया तो पैसों के पीछे अभी भी जा रही है कि चलो आए स्टूडेंट के एडमिशन होने के बाद कोई भी टीचर जो बॉस होता है जैसे राम सर के नाम पे, तो कोई भी बॉस ये नहीं करता कि भाई फीस ले जाओ। और जगह तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ कि बंदे लिखित में कि पहली बात तो 5 किलोमीटर के एरिया में दुकान नहीं खोलोगे और दूसरी चीज़ आपको ये कॉन्टैक्ट करके डलना है, पहले कॉन्टैक्ट करा लेते हैं कि फीस वापसी नहीं होगी। जबकि सर 20 दिन के बाद भी बोले, 15 दिन हो गए थे तब भी बोले थे कि अगर जिसको समझ नहीं आ रहा अभी भी जा सकते हो। तो मेरे को ये बेस्ट लगा इस इंस्टीट्यूट का सर, बिल्कुल सबसे बढ़िया। क्या है कि राम सर का सोच ये होता है कि जो हम फीस ले रहे हैं 25,000, जो हम फीस ले रहे हैं 25,000, हम उससे 4 गुना ज़्यादा नॉलेज आपको दे पाए। क्योंकि जैसा कि आपने बताया रवि भाई कि बहुत से लोग हैं बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी ले रहे हैं और ऐसा भी नहीं है। अभी जैसे आपने बात किया कि पेमेंट, मेरे को तो अभी पता लगा 2-4 दिन पहले, 1-1.5 महीने पहले कि कई इंस्टीट्यूटों में तो बस ये हो गया कि भाई दिमागी तुम्हारा बस लिख भी नहीं सकते आप कई इंस्टीट्यूटों में 99% का ये भाई आपको कॉपी पेन फ़ोन वगैरह सब रख के जाना है। हमारे इंस्टीट्यूट में ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगा कि फ़ोन भी लेके आ रहे, कॉल भी रिसीव कर रहे, भाई तुम्हारा घाटा ना हो जाए, सर 2 मिनट क्लास रोक देते हैं कि रवि भाई कोई बात नहीं, तुम्हारा कस्टमर है भाग ना जाए, बात कर लो, ऐसा कोई नहीं सोचता, किसी के लिए नहीं सोचता। और अभी के डेट में तो लिखित सब जगह बंद हो गई है, इक्के दुक्के हैं जो राम सर को देख के जो थोड़ी बहुत लिखवा रहे हैं। अब मजबूरी है सर, नॉलेज रहेगी तब तो उतना बंदा का लिखवाएगा, कोई लिखवा ही नहीं रहा आज के डेट में, बस देख लो ऐसे ऐसे, ये तो ऐसे कोई भी दिखा देगा तो सर क्लास करने की ज़रूरत क्या है इसमें, आप यूट्यूब पे डायरेक्ट वीडियो देख लो। जब लिखित में ही तो सर बेसिक चालू कहाँ से हो रहा है, तो जब तुम्हें यही नहीं पता पहली सीढ़ी चढ़नी कहाँ से है तो कैसे करेंगे बंदे। नहीं तो आप एक बात बताइए, जैसे आपने देखा अपनी क्लास कितने सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक, सुबह 9 बजे से 10 बजे जाते हैं, 12 घंटे क्लास चला और 20 दिन क्लास चला, तो क्या इतना पॉसिबल है किसी को याद करना? नहीं सर, कई सालों से भी इंसान काम कर रहा हो फिर 20 दिन का पूरा याद नहीं कर सकता। इसलिए हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जो आया है वो कुछ ना कुछ सीख के जाए, अगर उतना याद नहीं कर सकता तो लिख के जाए। वो लिखने के अलावा मैं खुद स्टेप बाय स्टेप लिखवाता हूँ कि आपको सीखना कैसे है। मतलब कहानी ये है, कहानी ये है कि एक प्रॉब्लम कितने जगह से आएगी, जितने भी जगह से आएगी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जितने भी जगह से आएगी वो सारे रास्ते आपको बताए गए हैं। जब हमें सारे रास्तों पे चलना आता है तो 100% हम 9 रास्ते भी अगर बंद होंगे तो 1 रास्ता तो हमारे लिए खुला होगा जो हमें हमारी सक्सेस पे पहुंचाएगा। तो वो सारे रास्ते आपको मिले जी सर। रवि भाई हैप्पी, और अभी तो आप लोगों का और 4 गुना नॉलेज बढ़ने वाला है, यानी अभी जो आपने सीखा है
उस पर स्टडी की है, अभी जाके जब आप काम करोगे उसको और प्रैक्टिकली उतारोगे, जब काम करोगे कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछोगे, अब जाके नॉलेज आपका, यानी असली ट्रेनिंग तो अब शुरू होने वाली है आप लोगों की। तो यानी हमें कभी दिमाग में ये नहीं सोचना है कि हमें सब कुछ आ गया, इतना है बहुत है। मैं भी कंटिन्यू स्टडी करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, कभी भी मन में ये नहीं लगता कि यार पढ़ाई पूरी हो गई, कंटिन्यू करना पड़ता है। यही सोचते थे, चार दुकानदारों का काम आता था, हमको लगता था कि मार्केट के बादशाह हम ही है। लेकिन जब यहाँ पे आके जब सब सारा थ्योरी के हिसाब से समझे, राम सर ने समझा। एक सेट था नोकिया सिक्स, क्या प्रॉब्लम थी उसमें सर? वही चार्जिंग का सेंसिंग प्रॉब्लम आ रहा था, कभी बंद में चालू हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी परसेंटेज नहीं पड़ रहा, कभी चालू नहीं हो रहा। तो थ्योरी बेस पे जब आपने चेक किया तो प्रॉब्लम क्या मिली? वही सर, डिवाइडर सर्किट, अपना सर्किट जादू। तो प्रॉब्लम भी क्या मिली कि वहां से पूरा सर्किट ओके है, लेकिन जो बाहर से जो सर्किट बना रहा था वो कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही थी। और ये भी आपने खुद अपने माइंड से सोचा था? माइंड से बनाया था, क्योंकि सर इन्होंने बताया कि बाहर से कुछ जुगाड़ लगा के बना दे, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि बैटरी के अंदर 10 के रेजिस्टेंस है, बाहर भी 10 के, तो डिवाइडर सर्किट बनना चाहिए, बनना चाहिए। मैं खाने भी गया था, खाने के टाइम पे भी यही दिमाग में चल रहा था कि फिर मैं अलग से जुगाड़ क्यों करूं, जब अंदर सब कुछ दिया ही है मटेरियल, तो फिर बाहर से लगाने की जरूरत क्या है? हो सकता है कि वही दोनों के बीच में नहीं बन रहा है, और सिर्फ आपका एक गाइड मिला कि आप एक जम्पर कहाँ से देना है, हमने बस वो किया, डिवाइडर सर्किट बना, वोल्टेज आया और चार्जिंग ओके हो गया। तो मतलब कहानी वही है, रास्ते आपको वो हर रास्ते बता दिए गए हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये रास्ता हमारा बंद है तो अगला रास्ता हमारा खुलेगा, रास्ते आपको सारे बता दिए गए हैं, बस चलना है आपको, और चलाने के लिए फोन पे की टीम आपके साथ है। ठीक है,